we are going to start a chapter number 1 class 6 that application of tables 1 to 20 इसका ये second lecture है. We let start short answer page number 6. Now you open your book page number 6 short answer. Question number 1, multiply by breaking numbers. Multiply, इस सम काम को multiply करना है, but multiply कैसे करना है हमको, इसको breaking of the numbers. Your first question is 405 multiply 50. 405 multiply 50, तो हमको multiply करना है, और इसमें हमको जो terms दे रखी है, हमको उसको क्या करना है, पहले break करेंगे हम, जो 405 है इसको हमको ब्रेक करना है. अब ब्रेक कैसे करेंगे हम, ब्रेक करने के लिए क्या कंडीशन है, जैसे 405 है, सॉल्यूशन फर्स्ट वी राइट 405 को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 405 ये बोल रहे हैं हम, तो हम पहले क्या राइट करेंगे, 400 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 405. तो इसको 405 को हमने टू पार्ट में इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया. इस टाइप से जैसे अगर आपको गिवन हो कि 306, तो इसको टू पार्ट में आप कैसे डिवाइड करेंगे, टू पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप क्या लिखेंगे, हम क्या बोल रहे हैं 306, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, 300 राइट किया हमने प्लस क्या लिख देंगे हम 6, ये क्या हो गया आपका टू पार्ट में डिवाइड हो गया. सपोज आपके पास में आता है क्वेश्चन 106, क्या लिखा हुआ है 106, और 106 को कैसे राइट कर सकते हैं हम, सब पहले 100 को उसमें से क्या करा हमने, ब्रेक किया, अलग किया, वी राइट 100 देन 6, 100 प्लस 6. इस टाइप से हमको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, टू पार्ट में ब्रेक करना है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक करना. अंडरस्टैंड, नाउ लेट वी राइट 405 को टू पार्ट में हम ब्रेक करेंगे तो क्या राइट करेंगे, 400 प्लस 5, इसको हमने ब्रैकेट में राइट किया है, मल्टीप्लाई 50, क्या राइट किया हमने, मल्टीप्लाई 50. अब क्या करेंगे हमने, 50 है, 50 का मल्टीप्लाई 400 में भी होगा और इस 50 का मल्टीप्लाई 5 में भी होगा, क्योंकि ये टू पार्ट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये टू पार्ट में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया. तो 50 का मल्टीप्लाई 400 में भी करेंगे और 50 का मल्टीप्लाई 5 में भी करेंगे. नाउ वी राइट 400 मल्टीप्लाई 50 देन 5 मल्टीप्लाई 50, ओके, 400 मल्टीप्लाई 5 किसने, पहले 4 5 से कितने होते हैं आपके 20, 4 5 से कितने होंगे आपके 20, 1 2 3, 30 हमने राइट करी आगे, प्लस 5 5 से कितने होंगे आपके 25, एंड देन वी राइट 0, इन दोनों नंबर को हमने प्लस किया तो कितना आएगा आपका आंसर. नाउ योर आंसर दैट 20,215. अगर आपको नहीं प्लस करना आता तो आप इसको साइड में राइट कीजिए, 20,215 + 05202, इस टाइप से भी आप राइट कर सकते हैं, एंड इस टाइप से भी आप राइट कर सकते. नाउ आवर आंसर इज 20,215, इज दैट क्लियर. इस टाइप से अगर आपको कोई सा भी सम आता है जिसमें आपको बोले कि टू पार्ट में ब्रेक करके आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको उसको इस टाइप से सॉल्व करना है, या जो क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन है इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेज नंबर 6, योर क्वेश्चन इज
89 मल्टीप्लाई 9, इसको भी हमको टू पार्ट में ब्रेक करना है। इसको हम टू पार्ट में किस टाइप से ब्रेक करेंगे? 89। अब 89 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताइए आप। अभी हमने बताया था कि 89 तो हम क्या बोले 80 प्लस 9, या तो हम उसको प्लस में ब्रेक कर सकते हैं या फिर माइनस में भी हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम 89 को क्या लिख देंगे? 80 प्लस 9। क्या राइट कर दिया हमने इसको? 80 प्लस 9 एक पार्ट में आपका ब्रेक हो गया। तो हम क्या लिखे राइट करेंगे इसमें? नाउ डिवाइड 80 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9, एक पार्ट में ब्रेक हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखो आपका? 9। तो इस 9 का जो मल्टीप्लाई है ये 80 में भी होगा और इस 9 का जो मल्टीप्लाई है वो 9 में भी होगा। मतलब इस 9 का जो मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के बाहर जो 9 है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो जितने भी दो नंबर है उन दोनों में इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई हमने किसमें किया? 80 में किया। 9 का मल्टीप्लाई किसमें किया हमने? 9 में किया। तो 80 मल्टीप्लाई 9, बीच में किसका 9 है, प्लस नाउ हो जाए 9 मल्टीप्लाई 9। 80 मल्टीप्लाई 9 के प्लेस पे हम किसको राइट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे? 8 मल्टीप्लाई 9। 8 9 से कितने होते हैं? 72। 72 को 0 राइट किया हमने, प्लस 9 9 से कितने होते हैं आपके? 81। 81 अभी दोनों को एड कर लेंगे हम। 8 क्या हमने? 720 प्लस 81 कितना होगा? 0 प्लस 1 1, 8 और 2 कितने होते हैं? 10, 1 केरी, 7 एंड 1 8 और आंसर इज 801। और आंसर इज 801। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन आपकी बुक में है वो मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको उसकी फोटो खींचकर ग्रुप में सेंड भी करना है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आप वो नोट करें इसको। क्वेश्चन थर्ड पेज नंबर 6, 230 मल्टीप्लाई 499। क्वेश्चन नंबर 4, 2005 मल्टीप्लाई 40। एंड क्वेश्चन नंबर 5, 56 मल्टीप्लाई 24। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन सेकेंड, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन वी रीड 5 times ऑफ 56। 5 times of 56. Now you open page number 7, question number 2. 5 times of 56 find करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 times of 56 का मतलब क्या होता है कि जो 56 का 5 times कितना होता है? तो हमको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको कि पूछेंगे कि 5 times of 50, 3 times of 60, क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं, मेथड सेम ही होती है, तो आपको उसमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है आपको? मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें आपसे पूछा है 5 times of 56, तो आप सॉल्यूशन में क्या राइट करेंगे? 5 times of 56 का मीनिंग क्या होता है? 5 multiply 56। 5 में किसका मल्टीप्लाई करना है आपको? 56 का मल्टीप्लाई करना है। अब या तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर टू पार्ट में ब्रेक कर दें। 56 कैसा लग रहा है? 56 को टू पार्ट में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 50। पहले हम क्या बोल रहे हैं? 50 प्लस 6। क्या बोल रहे हैं? 56। तो हम क्या लिखेंगे? 50 प्लस 6। ब्रेकेट लगाया, ब्रेकेट के बाद क्या है? 5। तो ये 5 का मल्टीप्लाई 50 में भी होगा और ये 5 का मल्टीप्लाई 6 में भी होगा, दोनों नंबर्स में होगा।
तो 5 5 से कितने हो जाएंगे आपके 25। नाउ वी राइट 0 अगेन प्लस अगेन वी राइट वी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। 5 6 से कितने होते हैं 30। 30 हो गए। नाउ वी ऐड दिस टू नंबर 250 प्लस 13 कितना होगा 0 प्लस 0 0 5 प्लस 3 8 एंड 2 आवर आंसर इज 280। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर फोर्थ अभी मैंने पहले आपको क्या एक्सप्लेन किया कि जब भी आपसे पूछेंगे कि हाउ व्हाट विल बी हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दिस नंबर तो आपको क्या करना है जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों नंबर्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी टू मेथड से करते हैं या तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करते या फिर उस नंबर को आप ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 25 टाइम्स ऑफ 25 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन लेट्स स्टार्ट 25 मल्टीप्लाई 25 में 25 को मल्टीप्लाई किया तो 25 को टू पार्ट में ब्रेक किया 25 वी राइट 20 प्लस 5 इसको क्या राइट करेंगे हम 20 प्लस 5 इस 25 का मल्टीप्लाई 20 में भी होगा और इस 25 का मल्टीप्लाई 5 में भी होगा दोनों टर्म में होगा 25 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 20 नाउ वी राइट 25 मल्टीप्लाई 5 देट 25 टू सा कितने में 50 एंड 0 प्लस 25 5 सा कितने होंगे आपके 125 कितना होगा 25 5 सा 125 500 में 125 प्लस क्या 0 प्लस 5 5 0 प्लस 2 2 एंड 5 प्लस 1 6 625 और आंसर इज 625 वी एक्सप्लेन अगेन नाउ स्टार्ट 25 टाइम्स ऑफ 25 25 मल्टीप्लाई 25 टाइम्स को क्या राइट किया हमने 25 मल्टीप्लाई 25 25 को टू पार्ट में हमने ब्रेक किया 25 को क्या राइट करेंगे हम 20 प्लस 5 क्योंकि 20 में प्लस 5 करते तो फिर से क्या जाएगा 25 आएगा फिर ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ आपका 25 तो इस 25 का मल्टीप्लाई 20 में भी होगा और इस 25 का मल्टीप्लाई आपका 5 में भी होगा तो 25 का मल्टीप्लाई जब हमने 20 में किया तो 25 टू सा कितना होता है 50 एंड 0 प्लस 25 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ तो 25 मल्टीप्लाई 5 25 5 सा कितना होता है 125 125 500 प्लस 125 इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आवर आंसर इज 625। ओके इस क्वेश्चन के आगे जो सॉल्यूशन है इसको आप राइट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लिप द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज नंबर 7 फ्लिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट ईयर फ्लिंग द ब्लैंक्स 16 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई
सेकंड मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 7, ये आपका क्वेश्चन है। कितने होते हैं 54, 5 तेरी 9 वजा 9 और 5 कितने हो गए 144, कितना आ गया अपना आंसर 144। अब क्या करेंगे हम, हमको 8 में यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 9 ये तो हमने फाइंड कर लिया 144 आ गया, अभी 18 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाए, 18 में हम इस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 144 आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 144 में इसका डिवाइड कर देंगे 8 का डिवाइड किया हमने, 8 वजन कितने हो गए 8, 14 में से 8 गए माइनस हुए तो कितने आएंगे 6, और से क्या होता राइट किया हमने 4, 8 की टेबल में 64 कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स, 8 8 64, तो कितना आया 18, हमारा आंसर कितना आया 18, मतलब 8 में अगर हम 18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 144। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ फिल द ब्लैंक्स, मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 7, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या पूछा हमने कि 8 में इस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आ जाए, तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया कि 16 मल्टीप्लाई 9 गिवन था, तो हमने पहले 16 में 9 का मल्टीप्लाई किया, अब इसमें भी हम क्या करेंगे 16 में पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 का, तो 16 मल्टीप्लाई 7 7 सिक्स कितने होते हैं 7 सिक्स 42, 4 केरी 7 7 एंड 4 प्लस 11 कितना हो जाएगा 112, कितना आया आपका 112। अब 18 में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 112 आ जाए, 18 में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका 112 आएगा, तो क्या करेंगे हम 112 में 8 से डिवाइड करना है, 8 वन जा 8, 11 में से 8 माइनस होंगे तो कितना आएगा 3, 32, 8 की टेबल में 32 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में 14, 4 और आंसर इज 14, कितना आया हमारा आंसर, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम 14। तो इस टाइप का सम अगर आपको आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, देन फिर आफ्टर वी डिवाइड दिस नंबर, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी गिवन नंबर है, फिर जो भी नंबर आएगा आपको उससे जो गिवन नंबर दे रखा उससे क्या करना है आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट योर क्वेश्चन पेज नंबर 7, इसी के मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ आपको सॉल्व करना है, और जिनके पास बुक्स है वो बुक्स में से देख के कर रहे हो, जिसके जिनके पास बुक नहीं है मैं यहाँ राइट कर रही हूँ क्वेश्चन को, आप उनको राइट सॉल्व करना है और बुक भी आपको जल्दी जल्दी परचेज भी करना है। 14 क्वेश्चन नंबर 4, 12 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एंड क्वेश्चन नंबर 5, 8 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 6, ओके। Thanks for watching.